आज मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ के मनी बाजार, जहाँ पर बहुत ही बड़ा सा मेला लगा हुआ है। और वहाँ जैसे ही मैं मेले में पहुँचता हूँ, तो मुझे एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो कि अपना सामान बेच रही होती है। और आगे चलता हूँ तो वहाँ के दुकानदारों से मैं थोड़ी बहुत गपशप करता हूँ। और आगे बढ़ता हूँ तो वहाँ पर एक अंकल जी मिलते हैं जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, वो अपना सामान वहाँ पर बेचते हैं। और आगे चलता हूँ तो मुझे दिखता है बहुत ही खतरनाक सा गोरिल्ला। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का वेलकम मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ में घूमने, वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ मनी माजरा में, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। तो चलिए गाइस चलते हैं मनी माजरा मेला घूमने और देखते हैं वहाँ क्या कुछ खास है। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ मेले में, और मेले में मुझे सबसे पहले छोटा सा बच्चा मिला है और यहाँ गुब्बारे बेच रहा है। तो तुम यहीं रहते हो बच्चे? और कितनी देर से यहाँ खड़े हो? कल सुबह से खड़े हो गया? तो दोस्तों अगर यहाँ पर आइए तो इन बच्चों के लिए जो कुछ हो सके करना, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इनका मेला के लिए खिलौने जरूर खरीदना एक बार यहाँ। तो चलिए गाइस सब अंदर चलते हैं और वापसी में तुम्हारे खिलौने सारे खरीदेंगे, ठीक है? हाँ ओके। तो गाइस ये देखिए मेरा टिकट फाइनली खरीद लिया है, ये देखिए मेरे पास टिकट 50 रुपये एक टिकट है। तो दोस्तों अब मैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहा हूँ और फाइनली मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ हवाई जहाज के। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है मुझे, और अब चलता हूँ अंदर और अंदर देखता हूँ अंदर का नज़ारा क्या कुछ खास। चलिए तो देखिए दोस्तों ये हवाई जहाज के अंदर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये देखिए मेला कितना बड़ा वाला यहाँ लगा हुआ, खतरनाक वाला, मतलब बहुत ही अच्छा मेला है। इसमें झूले भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे। ये देखिए गाइस कितना अच्छा व्यू दिख रहा है इधर से। अब थोड़ा नीचे चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें, यहाँ खड़े होकर ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो चलिए नीचे ही चलते हैं पहले। ये देखिए सबसे पहले ये आया सेल, 100 रुपए का एक कप, जो भी बर्तन लेंगे 100 रुपए के एक एक मिलेंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ गाड़ी भी है तो बच्चों के लिए खेलने के लिए, और फ्री वाली सुविधा नहीं है, पैसे वाली सुविधा है। देखिए दोस्तों सबसे पहले एक कप, ये सारे बर्तन है और एक पीस 100 रुपये का, ये देखिए इसमें सेल भी लिखा हुआ है, एक पीस 100 रुपये का है, काफी महंगा है लेकिन सही है। और साथ ही गाइस ये देखिए ये देखिएगा ये एक बर्तन 80-80 रुपए का देती है सेल, एक पीस 30 रुपए। ये सारे यहाँ बर्तन ही लगे हुए अच्छे अच्छे तो गाइस मेले में मैं जिसला एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ देखिए काफी सारे यहाँ चीजें खरीदने के लिए। कैसे लगा यहाँ पर मेला? लगा दी 23 से 23 तारीख से लगा, कब तक लगेगा ये? 17 तक रहेगा, 17 नवंबर। तो दोस्तों 17 नवंबर तक लगेगा मेला। अगर आपको घूमना हो चंडीगढ़ में इस मेले में, तो आप 17 नवंबर से पहले पहले आ जाइए, क्योंकि उसके बाद ये मेला खत्म हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए, 17 नवंबर लास्ट डेट है ना। चलिए और आप मतलब ये हर साल लगता है कि अभी पहली बार भी लगाइए? नहीं लगता है, लगते रहते हैं मेले तो। अच्छा लगते रहते हैं, चलिए ठीक है। और अपने प्रोडक्ट दिखा दीजिए हमें, ये सारे 30-30 रुपए सारे हैं। ये 30 वाले हैं जी, ये 50 में है, आगे ये 60 में है, ये सेल लगाई हुई है, सारे के अलग अलग रेट है। अच्छा सब ये 80 वाले हैं, पूरी टेबल 80 की है, इसमें कोई भी ले सकते हो, 80 रुपए सेल है। तो गाइस देखिए, तो यहाँ देखिए गाइस ये वहाँ से लेकर ये सारी दुकानें इन भाई की, आदिल भाई की, और यहाँ काफी अच्छे रेट पे है यहाँ। और देखिए अगर ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलता है जी ज्यादा क्वांटिटी। तो गाइस अगर ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट भी मिल जाएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए गाइस चलते हैं आगे। तो भाई हमारे चैनल के बाद हाई कर दीजिए, हाई। तो गाइस ये सारी दुकान है आदिल भाई की, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सारी दुकान है इन आदिल भाई की ही है, और यहाँ पर काफी अच्छी मात्रा में काफी सामान चाहिए, सामान भी है, और अगर ज्यादा क्वांटिटी में आप लेते हैं तो आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा यहाँ पर। और साथ में देखिए गाइस यहाँ पर खेलने के लिए खिलौने रखे हैं, काफी अच्छे अच्छे खिलौने यहाँ पर, ये देखिए। तो भाई इस तरह हेयर बैंड भी लगा रखा है खिलौने, देखिए दोस्तों ये खिलौने जो बचपन हम खेलते हैं और यहाँ पर मिल गए, साथ में तलवार भी चमकने वाली। तो देखिए वो जहाज जिस जहाज से हम आए थे अंदर, ये देखिए गाइस
यहाँ पर बुक शॉप है इतने सारे, पर यहाँ पढ़ने वाले भी काफ़ी लोग हैं लेकिन जा रहे थे बुक शॉप में। ये खिलौना बेचने वाले भाई ये बुलबुल उड़ा रहे हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया से। और देखिए गाइस यहाँ पर ये गन वाली गेम भी है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर गेम है गन वाली और यहाँ पर रिंग वाली गेम। अब यहाँ ज़्यादा भीड़ है नहीं जैसे, अभी पब्लिक बहुत ही कम आई है। अब देखिए गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल लगे खाने पीने के लगे अच्छे अच्छे स्टॉल्स। और ये देखो चार तरफ से आप देख लीजिए मैं पूरा कैमरा रोटेट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। और गाइस ये देखिए बॉम्बे की मशहूर पाव भाजी और वगैरह ये सारी चीज़ यहीं पर मिलेगी आपको खाने में, जगह अगर आप यहाँ आते हैं तो। और साथ में ये पोटैटो बिस्किट ये बहुत अच्छी दुकान है यहाँ खाने के लिए, भैया लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह जगमगा रही है दुकान है, अच्छा बहुत है यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें काफ़ी सारी सही है। और देखिए गाइस ये अमेरिकन गुटका ये दिल्ली के मशहूर मूंग की दाल ये सारी चीज़ यहाँ पर एक साथ मिलेगी। देखिए यहाँ पर अंकल जी इसका प्राइस क्या है? 70 रुपये प्लेट। तो गाइज यहाँ पर ये 70 रुपये प्लेट है ये प्लेट। और ये अंकल जी दिल्ली से आए हो यहाँ पर, काफ़ी दूर से यहाँ पर आए हैं देखिए। और ये अंकल का ये फ़ोन नंबर भी है। तो गाइज अगर आपको यहाँ अगर आपको इस पर इकट्ठे आपको ऑर्डर लेना हो तो आप ये देखिए अंकल का नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं और आपको ये सारे सुविधा यहाँ पर एक साथ आपको मिल जाएगी। ये देखिए गाइस यहाँ काफ़ी सारे अच्छी तरह मेले लगे हुए हैं। और ये हॉन्टेड हाउस यहाँ पर डरावना है, हॉन्टेड हाउस काफ़ी खतरनाक चीज़ है यहाँ पर, हॉन्टेड हाउस यहाँ पर कुछ लगता डरावना भी दिखाया जाता है। और देखिए ये सारे सारे कपड़े की दुकान है, ये सारे यहाँ कपड़े भी मिलते हैं। देखिए देखिए बहुत सारे कपड़े यहाँ पर मिलते हैं, जूते कपड़े खिलौने सारे। और ये पास जादू यहाँ पर जादू दिखाया जाता है, हमारा नाम भी विकास है तो विकास जादूगर भी है यहाँ पर। और अभी अंधेरा ज़्यादा हो गया है यहाँ पर, तो मुझे घर भी जाना है तो अभी जादू देखने का टाइम तो नहीं मेरे पास, लेकिन अगर आपको देखना तो आप यहाँ पर आ सकते हो इस जादू देखने के लिए यहाँ पर। ये देखिए विकास जादूगर मैं नाम पर जादूगर। देखिए भाई की कपड़ों की दुकान है यहाँ पर, यहाँ कपड़े बहुत ही सस्ते दाम पर मिल जाएंगे आपको, बहुत ही बढ़िया दिखेंगे भाई स्टार्ट से घुमा भी रहे तरीके से यहाँ तक यहाँ से मात्र पूरे लाइन में सेल ही सेल है। यह भी कहा जादूगर इतनी तो खूबसूरत मेरी शक्ल तो नहीं है लेकिन इनका नाम भी विकास है। और यहाँ देखिए बच्चे के खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं, इनका सबका अलग अलग प्राइस है सारे झूलों में झूलने का, किसी का 100 किसी का 50 किसी का 200 भी हो सकता है। ये देखिए गाइस देखिए गाइस ये है गाड़ी, ये देखिए ड्रैगन वाली गाड़ी है, देखिए ड्रैगन आ गया खतरनाक सा। इस तरह गाड़ी चलती रहती है और बच्चों का मन बहलता रहता है। और ये झूला ऊपर से नीचे वाला घूमने घूमने वाला गोल गोल घूमता है। और साथ में देखिए एरोप्लेन उड़ने वाला भी यहाँ पर झूला लगा हुआ है, बहुत अच्छा यह एरोप्लेन है। देखिए यह एरोप्लेन, ये एरोप्लेन जैसे घूमने पर झूलता रहता है और ये आसमान में नहीं उड़ सकता, लेकिन यहाँ पर भी घूमने कुछ अलग ही मजा है। यहाँ बच्चे भी झूलते हैं और मेरे जैसे भी झूल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ झूलूंगा नहीं, मैं और आगे चलूँगा भाई मेरे साथ चलते हैं। ये देखिए देखो झूला एक टाइप का गोल गोल घूमने वाला और भी अच्छा झूला, लेकिन यहाँ भीड़ ज़्यादा नहीं आज, अभी खाली खाली यहाँ नहीं गया। और देखिए गोल गोल वाला झूला हो रहा जहाँ ऊपर से नीचे आता है झूला, और मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी वाले झूले में लगता है जो गोल गोल सा झूला है। और देखिए ड्रैगन ये छोटा सा नीचे भी घूम रहा है, मैंने पहले भी दिखाया था बड़ा ड्रैगन था, ये छोटा ड्रैगन नीचे घूम रहा है। और साथ में देखिए जीप, ये भी एक गाड़ी है खतरनाक वाली, ये गाड़ी बस यहीं पर घूम घूम के रह जाती है पर मजा बहुत आता है। तो गाइस भालू भैया भी लाए और यहाँ मेरे साथ ये भी घूमेंगे थोड़ा और हम साथ में इंजॉय करने वाले हैं। तो हाय बोल दो भैया एक बारी हमारे चैनल को। तो चलिए गाइस अब आगे चलते हैं।
तो गाइज यहाँ मुझे बहुत ही मजा आया झूल करके झूला और काफी इंजॉय किया हमने। और ये ज्यादा दूर नहीं है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से मात्र 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर ही है। आप आराम से 10-20 रुपए किराया देकर ऑटो से यहाँ पर आ सकते हैं और बहुत ही मजा आ गया मुझे। तो अगर आपको भी आना है तो आप भी बहुत जल्दी आइए, 17 तारीख से पहले लेके। तो चलिए गाइज हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम मेले से बाहर रेलवे से बाहर के बड़ा सवाल जब दिख रहे थे हवाई जहाज के अंदर सुन रहे थे हमारी एंट्री हुई थी। इसके बाद कितनी अच्छी लाइटिंग की गई है और इधर साथ में जाम भी बहुत अच्छा किया गया है। जाम भी बहुत ज़्यादा तगड़ा लगा हुआ है लेकिन अच्छी बात है ट्रक इतना नहीं लग रहा जाम, तो फटाफट चलती जा रही गाड़ियाँ। तो गाइज आज आपने देखा यहाँ का मेला, आपको मेला कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।